फुल एक्टिव हो गए हैं। जो है ना अपना पूरा खाना वाना गिरा दिया रोलेक्स पे, सॉरी बंदर को देख के। ये देखो साला बंदर यहाँ पे मेरे को भी डरा रहा है। भाई लोग फिर से स्वागत है आपका मेरे चैनल PRPN ब्लॉग में। रोलेक्स को खोल दिया हूँ, थोड़ा इधर उधर घूम ले। उठने में लेट हो गया मुझे भी, क्योंकि रात में बारात में बहुत लेट हो गया। आई थिंक 2-3 बजे तक रात में सोया था और डॉग की वजह से जल्दी उठना पड़ा, वरना नींद तो अभी भी बहुत आ रही है। अच्छा करता हूँ रोलेक्स को, तब तक यहाँ पे बांध देता हूँ नीम के पास, थोड़ी सी धूप उप लग जाएगी। उसके बाद थोड़ा सा खाना उना देते हैं इसको, और जो को भी खोलता हूँ उसको वहाँ पे बांध दूंगा। पहले थोड़ा मन था रोलेक्स का ग्रिप लगाने का, तो मैं सोचा लगवा ही देता हूँ। रहा नहीं जाता, तड़प ही ऐसी है ना, पर अच्छे से लगा ही नहीं रहा, पता नहीं। ग्रिप लगाने देता हूँ 15-20 मिनट तक, उसके बाद ही खाना दे रहा हूँ। थोड़ी सी एक्सरसाइज भी हो जाएगी इसकी, कल वैसे भी मैं बारात में बिजी था तो इसके एक्सरसाइज के लिए इसका टाइम ही नहीं मिला। उसके बाद ही जो को बाहर निकालूंगा। वहाँ से रूम से बाहर आता है रोलेक्स, अपना ग्रिप ग्रिप छोड़ के उसके पीछे लगता है दौड़ने, और एक्सरसाइज भी नहीं करता है अपना। तो करने देता हूँ उसको आज अच्छे से, 2-3 दिनों से अच्छे से ग्रिप भी नहीं लगा है। A few moments later. तब रोलेक्स थक गया है ग्रिप लगा लगा के, देता हूँ खाना इसको। ज़्यादा नहीं, पिछले 15 मिनट से ग्रिप लगा रहा है, इतना बहुत है सुबह सुबह। अब दे देता हूँ खाना, बाकी शाम को लेके चलेंगे तो आज शाम को फिर इसकी फ्लड पोल वाली एक्सरसाइज करवाएंगे। ये बड़ी अच्छी बात कही आप, कितनी तगड़ी ग्रिप लगाया है, देखो 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 कितनी तगड़ी ग्रिप लगाया है। झटके भी बजा रहे बहुत तेज, देख रहे हो, देखो 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 झटके देखो इसके। जो है अभी इस रूम में है, ये पूरी ग्रिप लगा देगा रोलेक्स, तब उसको बाहर निकाल। मान लिया रोलेक्स पूरा थक गया था तो उसको पीछे बांध दिया हूँ, अब जॉय को निकालता हूँ रूम से। जॉय अभी सोया है, लो आ गया बाहर जॉय भी। ये देखो ये देखो ये देखो दोनों को देखो, देखो कितना एक्साइटेड हो रहा है जॉय को देख के। ओह माय गॉड, अब जॉय बाहर जाएगा फ्रेश होने के लिए और रोलेक्स सब भौंकना शुरू करेगा। मैं दोनों का खाना रेडी करता हूँ, खाना मैंने पहले ही ला के इधर लटकाया हुआ है, रेडी करता हूँ। मल्टीविटामिन मिलाता हूँ रोलेक्स का खाना में, जो के भी उसके बाद देता हूँ। दोनों फुल एक्टिव हो गए हैं, जो है ना अपना पूरा खाना वाना गिरा दिया रोलेक्स ने, सॉरी बंदर को देख के। ये देखो साला बंदर यहाँ पे मेरे को भी डरा रहा है। ये देखो रोलेक्स को देखो, जो है उसका पूरा खाना खाना शुरू कर दिया। तो पहले पूरा खाना खाया, उसका खाना वहाँ पे मैंने पहले ही रखा है। जो है को बांधता हूँ उसकी अपने जगह पे। ये देखो रोलेक्स को देखो कितना एक्साइटेड हो रहा है बंदर को देख के, वो यहाँ पे बैठा हुआ है। A few moments later. तो फाइनली शाम के 4 बज गए गाइस, और आधे घंटे और 45 मिनट में अंधेरा हो जाएगा। उससे पहले लेके चलता हूँ डॉग्स को घुमाने। बात तो सही है। तो ये रहा रोलेक्स, अभी एक्साइटेड लग रहा है घूमने के लिए। अब इसके कान धीरे धीरे खड़े हो रहे हैं, देखो रोलेक्स अटैक, देखो धीरे धीरे कान इसके खड़े हो रहे हैं, देखो कैसे जंप कर रहा है। लेकिन एक बैड न्यूज है, जॉय पता नहीं क्यों वोमिटिंग कर रहा है, बहुत सारा वोमिटिंग किया है वहाँ सामने, बहुत सारा वोमिटिंग किया है, मैं आप लोग को दिखा भी नहीं सकता, पूरा गंदा कर दिया है। समझ में नहीं आ रहा कि वोमिटिंग क्यों कर रहा है, लेकिन सुबह में कुछ ये उल्टा सीधा खा ही रहा था, क्योंकि उसके मुंह से झाग निकल रही थी। जब मैं देखने गया तो उसके मुंह में कुछ था नहीं, जब मैं गया तो डर के मारे और उसको निकल गया, अब जाके पूरा वोमिटिंग कर रहा है। देखो कैसे मायूस बैठा है वहाँ पे, थोड़ी देर देखता हूँ, नहीं तो डॉक्टर को बुलाऊंगा दिखाने के लिए। अभी तो कोई प्रॉब्लम लग नहीं रही है, पता नहीं एक्टिव है कि नहीं, खोल के देखता हूँ एक बार। रोलेक्स तो ठीक है अपना, आज बस रोलेक्स को लेके चलेंगे घुमाने। जॉय को रेस्ट करने देता हूँ, फिर आके देखूंगा, अगर सही नहीं होगा तो डॉक्टर को बुला के कोई मेडिसिन वगैरह दे देंगे, उसको ठीक हो जाएगा। ऐसे समझ में नहीं आएगा, एक बार जॉय को खोल के देखता हूँ कि एक्टिव है कि नहीं। नहीं हुआ, अगर खोलने के बाद ही बहुत ज़्यादा एक्साइटेड लगता है, अगर खोलने के बाद इधर उधर नहीं भागा, चाहे बाहर नहीं निकला गेट से, तो अभी डॉक्टर को बुलाऊंगा, मैं रिस्क नहीं ले सकता इतना। चलता हूँ पहले जॉय को खोल के देखता हूँ, इसको बाहर नहीं ले जाएंगे, बस देखेंगे एक्टिव है कि नहीं। बाहर तो गया वैसे खोलने पे, लेकिन उतना एक्टिव नहीं है, धीरे धीरे ही गया है। थोड़ी दूर टहलने देता हूँ, शायद थोड़ा सा उसका मूड सही हो जाए, उसके बाद लेके चलूंगा रोलेक्स को बस अकेले। आज एक्टिव लग रहा है, बाहर घूम तो रहा है, देखता हूँ थोड़ी देर और, अगर कोई प्रॉब्लम नहीं हुई तो।
जॉय को रूम में डाल दिया हूँ, यहाँ पे रेस्ट कर लेगा, थोड़ी सी प्रॉब्लम है उसको। तो आज बस रोलेक्स को घुमाने, रोलेक्स को आ गया हूँ लेके अपने डेस्टिनेशन पे। और देखो पीछे क्रेन जा रहा है, सॉरी क्रेन नहीं जेसीबी है। जॉय नहीं आया तो इसका भी मन नहीं लग रहा है, इधर उधर भाग रहा है, लीस में लेके आने में आज प्रॉब्लम कर रहा है। कभी अब इसको अनलीस कर देता हूँ, रुक रुक रुक। ये देखो हम खेत पटाने जा रहे हैं, और देखो रोलेक्स अपना ये येलो वाला बोतल का भी लेके मेरे पास आ रहा है कि चलो ग्रिप लगवाओ। अब देखो वहां पे पता नहीं क्या कर रहा है। रोलेक्स रोलेक्स देखो देखो देखो, ग्रिप लगाएगा, ग्रिप लगाओगे, ग्रिप ग्रिप लगाओगे रोलेक्स। ओह माय गॉड, वैसे थोड़ा सा मूड ऑफ हो गया तो मैं आज इसकी भी ग्रिप व्रिप नहीं लगवा रहा हूँ, बस ऐसे ही थोड़ा सा घूम लेगा, उसके बाद लेके चलूंगा इसको भी वहाँ पे, दे दूंगा बॉल अगर ग्रिप लगाएगा तो ठीक है, नहीं तो खाना वाना दे देंगे फिर देखेंगे सुबह में, जो अगर ठीक रहा तो। पाइप को देख के थोड़ा अलग ही रिएक्ट कर रहा है। रोलेक्स कम, गुड बॉय गुड बॉय। सनसेट होने वाली है, लेके चलता हूँ रोलेक्स को घर। कभी से अभी बांधा था जस्ट मैंने, कभी से घूम ही रहा था, उल्टी सीधी चीजें ये भी खा रहा है, पत्थर का टुकड़ा खा रहा था मुंह में। साले का खोपड़ी तोड़ दे। एक मिनट ध्यान इधर से उधर हटी कि गड़बड़ कर देगा। 2000 years later. फाइनली रात हो गई गाइस, चलता हूँ खाना खिलाता हूँ, देखता हूँ जॉय की क्या हालत है, उसको दवा दी थी मैंने वोमिटिंग की। वैसे ये रहा रोलेक्स, देखो कितना एक्साइटेड हो रहा है खाना देख के, भूख लगी है इसको भी, देता हूँ खाना इसको। तो ऐसे चौकी कर दी है रोलेक्स को कि ठंडी ना लगे, और जॉय के लिए भी कल एक घर बनाना है, वहाँ पे सामने बनाना है, क्योंकि मुझे एक शादी में जाना है आउट ऑफ टाउन, तो जो लोग यहाँ रहेंगे उसको खाना दिलाने देने के लिए उस इस रूम में जाने से डरते हैं, और थोड़ा एग्रेसिव भी होता है रूम में। अरे देवा, ये गड़बड़े बाबा। यहाँ पे बाहर उसका घर बनाएंगे, पराली वराली ला दी है और भी लानी है, एकदम मस्त बना देंगे वहाँ पे, उसको भी ठंडी नहीं लगेगी। ये बड़ी अच्छी बात कही आप। तो फाइनली भाई रात हो गई है, डॉग्स को खाना खिला दिया था, दोनों खा के आराम कर रहे हैं, और जॉय को आराम है, मैंने दी थी दवाई उसको वोमिटिंग की। अब मैं अपनी पढ़ाई शुरू कर रहा हूँ, अभी टाइम 6:30 हो रहा है, कम से कम यही 4-5 घंटे पढ़ाई करेंगे जब तक हो पाती है। और वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज़ लाइक किया करो, चैनल को सब्सक्राइब करो, और कोई सजेशन हो तो बताओ जो मैं अपनी वीडियो में इम्प्रूव कर सकता हूँ।